देश में एक तरफ कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की जिंदगी बचाने के लिए सरकार तमाम पाबंदियां लगा रही है। मास्क लगाने और 2 गज की दूरी बरतने के साथ ही कोविड प्रोटोकॉल की हिदायतें फिर से याद दिलाई जा रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ संगम नगरी प्रयागराज में आस्था के नाम पर हर साल लगने वाले माघ मेले के लिए तंबुओं का एक ऐसा शहर जोर शोर से बसाया जा रहा है, जहां हजारों और लाखों नहीं बल्कि कई करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। सरकार और मेला प्रशासन ने संत महात्माओं, कल्पवासियों और दूसरे श्रद्धालुओं को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए कई नियम बना दिए हैं। एडवाइजरी जारी कर दी गई है, सख्ती बरतने और लोगों को जागरूक करने का दावा भी किया गया है, लेकिन सिर पर आस्था की गठरी लादकर पुण्य कमाने की लालसा में आने वाली लाखों की भीड़ के बीच कोविड प्रोटोकॉल का पालन करा पाना व्यवहारिक तौर पर कतई मुमकिन नजर नहीं आता है। पिछले साल हरिद्वार कुंभ का अंजाम देखने के बावजूद मेले के आयोजन पर रोक लगाकर एक तरफ जहां सरकार चुनावी साल में वोटर रूपी श्रद्धालुओं को नाराज करने का जोखिम मोल नहीं लेना चाहती, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी पार्टियां भी इस मामले में मुंह खोलने या आवाज उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। प्रयागराज के माघ मेले में हर साल कई शंकराचार्यों के साथ ही देश के तकरीबन प्रमुख संत महात्मा यहाँ पे कल्पवास करने या आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच यह भगवाधारी ही यहाँ आने वाली भीड़ को नसीहत देकर या फिर उनसे अपील कर तमाम लोगों की जिंदगी और सेहत खतरे में पड़ने से बचा सकते हैं, क्योंकि आम श्रद्धालुओं से लेकर ज्यादातर महात्मा और तीर्थ पुरोहित इस भरोसे के साथ यहाँ डेरा जमाने लगे हैं कि गंगा मैया की गोद में रहकर माघ महीने में धर्म और आध्यात्म की अलख जगाने पर कोरोना उनका कोई नुकसान नहीं कर सकेगा। इस तरह की दलीलें देने और यकीन रखने वाले लोग बेफिक्र होकर मेले में एंट्री कर रहे हैं, वह न तो मास्क लगा रहे हैं और न ही 2 गज की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ज्यादातर लोग तो आस्था के आगे व्यवस्थाओं को बौना साबित कर महामारी का मजाक भी उड़ाते हुए दिख रहे हैं। गौरतलब हो कि कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा बढ़ते जा रहा है और रोजाना अब हजारों की संख्या में मरीज मिलने शुरू हो गए हैं। फिर भी इस तरीके की लापरवाही देश को एक बड़े खतरे की तरफ, कोरोना को लेकर एक बड़े खतरे की तरफ ढकेल सकती है।